अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को देसी घी के फ़वाद बताऊँगी। वैसे तो आजकल अक्सर खाने तेल में पकाए जाते हैं, लेकिन देसी घी वो चीज़ है जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है। दर हकीकत देसी घी मक्खन की शफाफ शक्ल है। इसका इस्तेमाल खानों को मज़ेदार करने के साथ साथ जिस्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। देसी घी की गिजाई अफादियाँ दीगर खुर्दनी अशिया से ज़्यादा ताकत बख्श होती है। देसी घी में मौजूद चर्बी हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिसे हमारा जिगर बासानी तवानाई में तब्दील कर देता है। देसी घी में मौजूद चर्बी हमारे जिस्म में जमती नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल से वज़न में इजाफा भी नहीं होता। आम तेल जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अपने अंदर हरारत को जज़ब कर लेते हैं। आम तेल जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होता है, जबकि देसी घी आपकी इस मुश्किल को आसान कर देता है। देसी घी जल्दी आग नहीं पकड़ता। कॉन्स्टिपेशन से परेशान लोगों के लिए देसी घी का इस्तेमाल बेहतरीन इलाज है। रात में सोते वक्त एक गिलास नीम गर्म दूध में एक चाय का चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से न सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का खात्मा होता है, बल्कि ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। देसी घी में विटामिन के वाफिन मिकदार में पाया जाता है, जो एक फैट सोलेबल विटामिन है। एक तहकीक के मुताबिक कैल्शियम के मुकाबले में विटामिन के हड्डियों की ज़्यादा बेहतर तामीर करता है। देसी घी में विटामिन ए की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन ए का इस्तेमाल आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देसी घी में मौजूद एक बहुत ही अहम जज़्व ब्यूटेरिक एस्ट होता है। ये एस्ट हमारे जिस्म में मौजूद टी सेल की पैदावार में इजाफा करता है, जो हमारे मदाफती निज़ाम के सबसे ज़रूरी खुलिए होते हैं। देसी घी का इस्तेमाल दूसरे घी और खुर्दनी तेल की तरह निज़ाम इन्हज़ाम की कारकर्दगी को मुतासिर नहीं करता, बल्कि इसमें मौजूद एस्ट हाजमे के लिए बहुत मुफीद होते हैं। देसी घी में लैनोलेनिक एस्ट पाया जाता है, जो कैंसर और जिस्म में बनने वाली पत्तियों से बचाता है। ये एस्ट जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जिस्म में सोजन और चर्बी का खात्मा करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। देसी घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मौजूद होते हैं, जो हमारे जिस्म में हारमोन्स की पैदावार के लिए ज़रूरी होते हैं। देसी घी का इस्तेमाल शरियानों में खून को जमने नहीं देता और खून के बहाव को बेहतर बनाता है। ये जिस्म में मौजूद मुजरे सेहत कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करता है और सेहत बख्श कोलेस्ट्रॉल की सतह को बनाए रखता है और सेहत को मुतवाजन रखता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।